नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल PAT विद सचिन राय में आपका स्वागत है। आज मेरे चैनल का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें दो लेक्चर मेरे और हो चुके हैं। और पहले लेक्चर में मैंने PAT के बारे में सामान्य जानकारी बताया और उसके पाठ्यक्रम के बारे में बताया, और आज उसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में पेमेंट शीट के बारे में बताया, और आज का ये तीसरा मेरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको फ्री सीट के बारे में बताऊंगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एवं सिंधिया राजमाता विराजते कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के बारे में वर्गवार सीट को मैं कवर करवाऊंगा। तो इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत महाविद्यालय एवं वर्गवार सीटों का विवरण मैं आपको अब यहाँ पर करवाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि BSc ऑनर्स कृषि की भी सीट उद्यानिकी या वानिकी ऑनर्स या BTech कृषि अभियांत्रिकी, इन सीटों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। महाविद्यालय का नाम जैसे JNKV के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय BSc ऑनर्स कृषि। इसमें जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में होती है मेल सीट 12 और फीमेल सीट होती है 8, और फार्मर की सीट होती है 1 और PWD की होती है 1 और EVS की होती है 3। तो मैंने ये आपको अनारक्षित सीट बताया। अब अनुसूचित जाति SC की सीट में आपको बताता हूँ। जबलपुर विश्वविद्यालय में मेल सीट होती है 5, फीमेल सीट होती है 4 और कृषक की सीट होती है 1 और FF यानी ये होता है भूतपूर्व सैनिक, तो इसकी कोई सीट नहीं होती है, और PWD की होती है 1। अनुसूचित जनजाति की सीट होती है 8 और फीमेल की सीट होती है 5 और कृषक की सीट होती है 1 और भूतपूर्व सैनिक की होती है कोई सीट नहीं, और PWD की होती है 1। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूं OBC, तो मेल की सीट होती है 10, फीमेल की सीट होती है 6 और भूतपूर्व सैनिक की सीट होती है 15 और PWD की होती है 1। इस प्रकार कुल योग जो है, यानी कि जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में 35 सीटें मेल की होती है, 23 सीटें फीमेल की होती है, और कृषक की सीट 3 होती है, और भूतपूर्व सैनिक की सीट 2 होती है, और PWD की सीटें 4 होती है, और EVS की 3 होती है। तो कुल 70 सीटें में सिलेक्शन होता है मध्य प्रदेश कृषि जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत। फिर कृषि जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत और भी महाविद्यालय आते हैं, जैसे रीवा, तो रीवा में भी 70 सीटें हैं, टीकमगढ़ में भी 70 सीटें हैं, गंज वसोदा जो विदिशा में पड़ता है इसमें 40 सीटें हैं, और बारा सिवनी बालाघाट इसमें भी 40 सीटें हैं, पवार खेड़ा होशंगाबाद इसमें भी 40 सीटें हैं, और खुरई एक तहसील है सागर की, यहाँ पर 40 सीटें हैं। तो कुल मिला के जो है जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत जो महाविद्यालय आते हैं उनमें 390 सीट होती है, 390 सीट होती है। इसी प्रकार BSc ऑनर्स उद्यानिकी की हम बात करें तो उद्यानिकी से कोर्स 4 वर्ष का होता है जो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत। इसके दो कॉलेज हैं, तो पहला कॉलेज है इसका रेहली सागर में आता है, जो जिसमें कि मेल की सीट हम बात करें जो अनारक्षित है 11 होती है, और फीमेल की 8 होती है, और फिर कृषक की सीट 1 होती है, और PWD की सीट 1 होती है, और EVS की सीट 2 होती है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जिसे SC की मेल सीटें होती है 4, फीमेल सीटें होती है 3, और कृषक की सीटें होती है 1, और फिर भूतपूर्व सैनिक की सीट होती है कुछ नहीं, और PWD की होती है 1। अनुसूचित जनजाति की बात करें हम ST की, तो BSc ऑनर्स उद्यानिकी में रेहली सागर के बारे में आपको मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसमें मेल की सीट होती है 7, फीमेल की सीट होती है 4, और कृषक की सीट नहीं होती है, और भूतपूर्व सैनिक की होती है 1, और PWD की कोई नहीं होती है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की मैं बात करूं तो OBC में होती है मेल की सीट 8 होती है, और फीमेल की सीट 5 होती है, और
कर्सर की सीट एक होती है और भूतपूर्व सैनिक की एक होती है, और पीडब्ल्यूटी यानी कि जो विकलांग है, विकलांग कोटा से है, उनके लिए है ये सीट, ये एक होती है। और कुल यदि हम मेल की सीट की बात करें रैली सागर में, जो उद्यानिकी विश्वविद्यालय उद्यानिकी महाविद्यालय है, उसमें 30 सीटें होती है मेल की, और फीमेल की 20 होती है, और कृषक की होती है 2, और भूतपूर्व सैनिक की होती है 3, पीडब्ल्यूडी की होती है 3, और ईबीएस की होती है 2। तो बीएससी आनस उद्यान की रहली सागर में कुल सीटों की संख्या 60 है। अब बीएससी आनस उद्यान की छिंदवाड़ा में जो अभी अभी 2 साल हुए हैं, नए महाविद्यालय खुला है जो जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, तो इसमें मेल की सीटें हैं 11, फीमेल की सीटें हैं 7, और कृषक की सीटें हैं 1, और पीडब्ल्यूडी की सीट है 1, और ईबीएस की सीटें हैं 2। इसी प्रकार अनुसूचित जाति यानी एससी की मैं बात करूं तो 5 सीटें होती है मेल की, फीमेल की 3 सीटें होती है, और कृषक की सीट नहीं होती है, और भूतपूर्व सैनिक की सीट 1 होती है, और पीडब्ल्यूडी की भी कोई सीट नहीं होती है। फिर अनुसूचित जाति एसटी की मैं बात करूं तो एसटी की मेल सीटें की बात करें हम तो इसमें होती है 7, फीमेल की बात करें तो होती है 4, और फिर इसके बाद कृषक की बात करें तो 1, और भूतपूर्व सैनिक की होती है 0, और पीडब्ल्यूडी की होती है 1। तो ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो मेल के लिए होती है 8 सीटें, फीमेल के लिए होती है 6 सीटें, और कृषक के लिए 1 सीटें होती है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 0 होती है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट होती है। तो इसी प्रकार मेल की कुल सीटें की हम बात करें छिंदवाड़ा महाविद्यालय में जो उद्यानिकी कोर्स होता है, 31 सीट होती है मेल की, और 20 सीट होती है फीमेल की, और दो सीटें होती है कृषक की, और 2 सीटें होती है भूतपूर्व सैनिक की, और 3 सीटें होती है पीडब्ल्यू की, और ईबीएस की होती हैं 2 सीटें। तो ऐसे जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत आने वाला महाविद्यालय जो छिंदवाड़ा में है उसमें भी 60 सीटें होती है। ऐसे रहली सागर और छिंदवाड़ा जो उद्यानिकी महाविद्यालय है इनमें कुल मिलाकर जो सीट होती हैं वो होती हैं 120। अब बीएससी आनस वान की जबलपुर की मैं बात करूं तो केवल एक ही ऐसा विश्वविद्यालय है जबलपुर जहां पर वानिकी के द्वारा कोर्स कराया जाता है। तो इसमें मेल की सीट होती है 5, अनारक्षित वर्ग की मैं बात कर रहा हूं मेल की सीट होती है 5, और फीमेल की सीट होती है 3, और कृषक की सीट होती है कुछ नहीं, और पीडब्ल्यूडी की भी सीट नहीं होती है, और ईबीएस की सीट होती है 1। अनुसूचित जाति एससी, एससी में मेल की सीट होती है केवल 3, फीमेल की सीट होती है 1, और कृषक की सीट होती है 0, भूतपूर्व सैनिक की सीट होती है 0, और पीडब्ल्यूडी की सीट भी होती है 0। अनुसूचित जाति एसटी की, अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करूँ मैं तो मेल की सीट होती है 3, फीमेल की सीट होती है 2, और कृषक की होती है 0, और पीडब्ल्यूडी की भी होती है 0। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की मैं बात करूं तो फॉरेस्ट्री के जो है फॉरेस्ट्री के लिए यानी बीएससी आनस वानिकी जबलपुर की अभी मैं सीट आपको बता रहा हूं कि वानिकी केवल एक ही महाविद्यालय जबलपुर में कोर्स होता है, तो उसमें ओबीसी के जो मेल सीटें हैं 4, फीमेल सीटें हैं 2, और कृषक की सीटें हैं 0, और भूतपूर्व सैनिक की सीटें हैं 0, और पीडब्ल्यूडी की सीटें हैं 0। तो इसी प्रकार कुल योग की हम बात करें तो वानिकी में मेल की सीटें हैं 15, फीमेल की सीटें हैं 8, और कृषक की सीट है 0, और भूतपूर्व सैनिक की सीटें हैं 0, और पीडब्ल्यूडी की सीटें हैं 1, और ईबीएस की सीट है 1। तो कुल मिलाकर जो वानिकी का कोर्स जबलपुर में होता है उसमें 25 सीटें हैं।
अब बीटेक कृषि अभियांत्रिकी जबलपुर की मैं बात करूं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल एक ही ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर बीटेक अभियांत्रिकी होता है, लेकिन इसके बाद भी दूसरी यूनिवर्सिटी है जो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। लेकिन मैं अभी आपको जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत कोर्स होने जो कोर्स होता है मैं उसके बारे में आपको सीट के वर्ग अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो बीटेक कृषि अभियांत्रिकी जबलपुर की मैं बात करूँ तो मेल सीटें होती है 12, फीमेल सीटें होती है 8, और भूतपूर्व सैनिक की सीटें होती है 1, और पीडब्ल्यूडी की सीट होती है 1, और ईबीएस की होती है 3 सीट। ये अनारक्षित सीटें हैं, यूआर जो जनरल के लिए होती है, फिर अनु 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 जनजाति यानी एसटी के लिए 7 7 सीटें होती है मेल की, 5 सीटें होती है फीमेल की, और 1 सीटें होती है कृषक की, और 1 सीटें होती है भूतपूर्व सैनिक की, और 1 सीट होती है पीडब्ल्यूडी की। इसी प्रकार अनुसूचित जाति यानी एससी की सीट की मैं बात करूं तो 5 सीटें होती है मेल की, 4 सीटें होती है फीमेल की, और 1 सीट होती है कृषक की, और भूतपूर्व सैनिक की कोई सीट नहीं होती है, पीडब्ल्यूडी की 1 सीट होती है। इसी प्रकार ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है 12 सीटें होती है मेल की, 4 सीटें होती है, 4 सीटें होती है फीमेल की। तो कुल कुल योग जो होता है मेल की सीटें हैं 36 होती है, और फीमेल की सीटें 21 होती है, और 3 सीटें होती है कृषक की, और 1 सीटें होती है भूतपूर्व सैनिक की, और पीडब्ल्यूडी की होती है 4 सीटें, और ईबीएस की होती है 3 सीटें। तो बीटेक कृषि अभियांत्रिकी जबलपुर में केवल 70 सीटें होती है, तो टोटल इसमें 70 सीटें होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी सीट के अनुसार बताया कि कौन से विश्वविद्यालय में जो महाविद्यालय आते हैं उनके अंतर्गत कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों मेरे आशा करता हूँ कि ये तीसरे वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप लाइक एवं कमेंट्स जरूर करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी ग्रामोदय कृषि विश्वविद्यालय के बारे में, सीटों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।